एक बूढ़ा किसान था जिसके पास एक बूढ़ा गधा था, एक गधा। तो एक दिन ये गधा एक खुले पड़े कुएं में गिर गया जो सूखा था। वो अंदर 30 फीट नीचे गिर पड़ा और दयनीय तरीके से बाहर आने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। किसान ने जाकर देखा, ये बेवकूफ गधा कहीं का कुएं में जा गिरा है। अब इसे बाहर निकालना, इस गधे को बाहर निकालने में इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, बूढ़े बेवकूफ गधे को बाहर निकालना जो वैसे भी किसी खास काम का नहीं है। उसने सोचा कि इस गधे को बाहर निकालने का क्या फायदा, वैसे भी 1-2 साल में ये मर जाएगा, ये कोई काम तो करता नहीं। इसके रिटायरमेंट का समय आ गया है, किसी को रिटायर्ड गधे में कोई दिलचस्पी नहीं होती, काम का गधा चलेगा, रिटायर्ड गधे में किसी को दिलचस्पी नहीं है। तो उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाया और कहा, इस कुएं को भर देते हैं, क्योंकि वैसे भी कुआं सूखा हुआ है, गधा बूढ़ा है, इसे ढक देते हैं। तो वो सभी फावड़ा लेकर आए और फावड़े भर भर के उन्होंने कुएं में मिट्टी फेंकना शुरू किया। डरे हुए गधे ने बाहर आने के लिए वाकई जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने गड्ढे को भरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक गधे ने अपना चिल्लाना बंद किया और बहुत अजीब और समझदारी भरा एक काम करना शुरू कर दिया। हर बार जब एक फावड़ा भर मिट्टी उसकी पीठ पर पड़ती तो वो उसे झाड़कर एक कदम ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता। तो उन्होंने देखा, ये गधा वाकई होशियार है। हर बार एक फावड़ा मिट्टी अंदर जाती, एक कदम ऊपर, एक कदम ऊपर वो बाहर आने लगा और फिर वो चढ़कर बाहर आ गया। अब तो सारे जमा लोग उसकी तारीफ करने लगे, कितना स्मार्ट गधा है, ये वाकई बुद्धिमान गधा है, ये कई चीजें कर सकता है। फिर किसान ने भी, बूढ़े किसान ने भी सोचा, वाह, उसे अचानक गर्व महसूस हुआ, बोला, मेरे गधे को देखो, कितना चतुर गधा है। और उसने गधे को सहलाने की कोशिश की, गधा तुरंत पीछे घूमा और उसके चेहरे पर एक लात मारी। तो कहानी का संदेश यह है कि कभी अपनी बेवकूफी को ढकने की कोशिश मत कीजिए, वो वापस आएगी और एक दिन आपको चेहरे पर लात मारेगी। तो आप में से जो लोग ऐसा करने में बिजी हैं, उस सारी बकवास को छिपाने में जो आप हैं, वो वापस आकर आपको चेहरे पर लात मारेगी। आज ही बकवास से छुटकारा पाने का दिन है, कल नहीं, आज ही वो दिन है। अगर आप इसे अपने जीने का तरीका बना लें तो आप देखेंगे कि बकवास की कितनी परतें मौजूद हैं। और अगर आप हर दिन ये कहें, आज ही वो दिन है, और एक परत उतर जाए, तो थोड़े ही समय में जब मैं कुछ महीने बाद वापस आऊं, मुझे चमकते सुंदर चेहरे दिखने चाहिए, ऐसे नहीं क्या? हाँ हाँ, क्या बेहतर बेहतर होगा कि आप बेहतर हों। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप उनमें छलांग लगाकर ही जान पाएंगे। अगर आप अपने चारों ओर मौजूद इस ऊर्जा को अपनी सांसों से भर लें तो जीवन की भौतिक प्रक्रिया भी कई मायनों में परिवर्तित हो सकती है। हम केवल सांसारिक से रहस्यमय की ओर, तार्किक से जादुई की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं। और एक बार जब आप चेतना की ओर,
बढ़ना शुरू करेंगे तो ये और तेज हो जाएगा।